एनडीटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आपने अक्सर कई खबरें देखी होंगी जहां क्लिनिक के अंदर या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच की जाती है। बीते दिनों मेरठ के ही एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई थी, वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आज जिस भ्रूण लिंग जांच का खुलासा हुआ है वो बेहद चौंका देने वाला है, क्योंकि ये अवैध भ्रूण लिंग जांच करने का धंधा किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर या क्लिनिक पर नहीं बल्कि एक फास्ट फूड सेंटर, जी हाँ सही सुना आपने, फास्ट फूड सेंटर पर किया जा रहा था। मामला मेरठ के सकौती इलाके का है जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दो महिला और एक विनोद नाम के दलाल को हिरासत में लिया है। वहीं एक कुलदीप नाम का शख्स अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर फरार हो गया। और चौंका देने वाली बात यह है कि ये गोरख धंधा किसी क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नहीं बल्कि फास्ट फूड की दुकान पर चल रहा था, ये अवैध भ्रूण लिंग जांच का ये धंधा। ये पूरी छापेमारी जॉइंट ऑपरेशन फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर मान सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और यमुनानगर के डॉक्टर विपिन टीम बनाकर जॉइंट ऑपरेशन किया गया। ये पूरा टीम सुबह 11 बजे सकौती पहुंच गई और एक सरकारी डिकॉय को फर्जी पेशेंट बनाकर लाया गया, तो कुलदीप द्वारा उसका अल्ट्रासाउंड यानी भ्रूण लिंग परीक्षण किया गया। जांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट संगीता और पीएनडीटी नोडल मौके पर पहुंचे, इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चौंका देने वाली बात यह है कि किस तरह एक फास्ट फूड सेंटर के अंदर कितने समय से ये चल रहा था धंधा भ्रूण लिंग जांच का, ये भी जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मेरठ में कई ऐसे मामले आ गए। अभी बीते दिनों एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई थी जहां भ्रूण लिंग जांच की जा रही थी और अब ये खुलासा हुआ है कि एक फास्ट फूड की दुकान में खुलेआम ये भ्रूण लिंग जांच की जा रही है।